आर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, मस्त होंगे, सेफ होंगे, खुश होंगे। आपको याद होगा कि मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सा मेकअप लुक देखना पसंद करेंगे। तो सबसे ज्यादा मुझे वोट मिले थे टीनेजर मेकअप लुक में, तो इसलिए आज का ये लुक मैं क्रिएट करने जा रही हूँ स्पेशल टीनेजर गर्ल्स के लिए। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो टेक अ लिटिल मोमेंट, हिट ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू कमेंट बिलो। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला स्टेप आता है अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना, जिसके लिए मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है। इस टाइम मेरा जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन है एंड मैंने अभी कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है अपने फेस पर, क्योंकि आपके साथ सारी चीजें शेयर करनी थी इसलिए मैंने अपनी स्किन को पहले से प्रेप नहीं किया है। तो मेकअप कभी भी आप करते हैं सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। सेकंड स्टेप है गाइस, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो, अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यूज कर रही हूँ ये पाउंस की मॉइस्चराइजर जेल क्रीम एंड यस, ये जो क्रीम है मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि ये मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। यू कैन सी गाइस, बिल्कुल थोड़ी सी बची है और बस मैं इसकी जान ही ले रही हूँ तब तक। तो इसे मैं अपनी स्किन पर अप्लाई कर लूंगी और अच्छे से स्किन को हाइड्रेशन दूंगी थोड़ी देर मसाज करते हुए। वैसे तो मैं प्रेजेंट टाइम में जो मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कर रही हूँ वो सीटाफिल मॉइस्चराइजर क्रीम है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड उसका रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लें, आपको जरूर, आप चाहें तो अपनी मतलब मॉइस्चराइजर क्रीम चेंज कर सकते हैं। बट आज जैसा कि टीनेजर मेकअप लुक है तो उनके अकॉर्डिंग मैं इस मॉइस्चराइजर क्रीम को रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट जेल फॉर्मूला है जो स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। सो बातें कम करते हैं और अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेते हैं। मेरी जो स्किन है अच्छे से प्रेप हो चुकी है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है। समर स्टार्ट हो गए हैं, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सनस्क्रीन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं एंड इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है समर के लिए। चाहे वो टीनेजर गर्ल्स हो, चाहे ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, चाहे फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, कोई भी हो, जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन तो लगानी होती है, नहीं तो फिर आपको टैनिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यूज कर रही हूँ ये VLCC की सनस्क्रीन जो कि SPF 30 है जिसमें, एंड ये बहुत ही अच्छे से मुझे टैनिंग से प्रोटेक्ट करती है, सन से प्रोटेक्ट करती है एंड ये मतलब 24 आवर अच्छे से वर्क करती है अपना। तो मैं इसे अप्लाई करूंगी। तो इसकी जो मैं क्वांटिटी ले रही हूँ बहुत थोड़ी सी ले रही हूँ, क्योंकि समर है तो मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो इसलिए मैं जितना कम हो सकता है हाइड्रेशन वाली चीजें कम यूज करती हूँ। समर में मेरी स्किन नॉर्मल हो जाती है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी एंड इसे ऑल्सो अपने नेक एंड मतलब जो भी एरिया आपका ओपन रहता है जब आप धूप पर निकलते हैं, हाथ हो गए, पैर में भी जरूर आप लगा लें इसे, फेस में, नेक एरिया में, ईयर जो ओपन होते हैं, तो इन सब में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं इसे भी अच्छे से लगा लेती हूँ। गाइस मैंने अच्छे से सनस्क्रीन लोशन को भी अप्लाई कर लिया है एंड यू कैन सी कितने अच्छे से जो मेरी स्किन है बहुत अच्छे से सॉफ्ट ग्लोइंग एंड अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है। नाउ इसके बाद जो पार्ट आता है, वैसे तो सब मेकअप के बाद प्राइमर यूज़ करते हैं, देन फाउंडेशन, फिर कंसीलर यूज़ करते हैं, बट जैसा कि ये टीनेजर मेकअप लुक है तो ऐसा कुछ मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ आज। बहुत ही ज़्यादा टीनेजर गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए आज का मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ग्लोइंग होती है एंड बहुत ज्यादा नेचुरल लुक ऑलरेडी देती है, तो इतना ज्यादा मुझे मतलब यूज करने की जरूरत नहीं है एंड मुझे नहीं लगता है कि मतलब टीनेजर गर्ल्स इतना ज्यादा यूज भी करती होंगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं प्राइमर को स्किप कर रही हूँ, फाउंडेशन को स्किप कर रही हूँ, कंसीलर को भी स्किप कर दे रही हूँ। देन इसके बाद क्या पार्ट आता है आप सोच रहे होंगे, सब कुछ तो हटा दे रहे हैं तो इसके बाद क्या लगाएंगे। तो आज जो मेकअप करने जा रही हूँ मैं BB क्रीम से करने जा रही हूँ एंड BB क्रीम कहाँ है मेरी,
यस तो ये रही बीबी क्रीम एंड मैं यूज कर रही हूँ पाउंस की बीबी क्रीम। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है। टीनेजर गर्ल्स फाउंडेशन को अवॉइड करें, बीबी क्रीम से अपना मेकअप करें, बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो स्किन होती है वो बहुत ग्लोइंग होती है। तो जो बीबी या सीसी क्रीम होती है गाइस, वो बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला होती है, बहुत ही स्किन को अच्छे से स्मूथ बना देती है और बहुत मतलब एकदम हल्का सा मेकअप लगता है, ऐसा लगता है आपने हल्का सा टचअप दिया है, दैट्स इट। तो इसलिए पाउंस की बीबी क्रीम, आप चाहे तो सीसी क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लैक्मे की आती है, तो आप जो भी मतलब यूज करना चाहें बीबी सीसी वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यूज कर रही हूँ पाउंस की बीबी क्रीम। सबसे खास बात बीबी क्रीम की गाइस ये रहती है ना, ऑलमोस्ट मुझे लगा कि ये भी खत्म हो चुकी है सीरियसली। तो बीबी क्रीम का क्या है ना कि आप इसे एवरीडे मेकअप पर यूज कर सकते हैं। मैं जब भी सूट करती हूँ, जैसे मुझे कुछ क्लोथ वगैरह का रिव्यू वगैरह करना होता है या फिर कोई अदर मेकअप करना होता है किसी चीज का, तो फिर मैं हमेशा बीबी क्रीम से ही मेकअप करती हूँ। एंड जब मेकअप करना होता है तो वो तो फिर मेकअप पर डिपेंड करता है मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूँ। बट जब मुझे कोई किसी और चीज का वीडियो शूट करना होता है, रिव्यू वगैरह का, तब हमेशा मैं हमेशा बीबी क्रीम से ही मेकअप करके शूट करती हूँ। So, इसका इतना लाइट वेट फॉर्मूला रहता है कि आप इसे कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर जरूरी नहीं है कि आप उससे ब्लेंड करें, आप इसे अपने हाथों से ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से फिंगर से ब्लेंड हो जाता है एंड मैं इसे फिंगर से ही ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी। मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो जरूर, बट मैं आज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगी जो टीनेजर गर्ल्स के पास अवेलेबल ना हो। तो मैं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का मेकअप लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नाउ मैं अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड करूंगी। So, ये बहुत ही इजी तरीके से ब्लेंड हो जा रहा है, यू कैन सी गाइस। बस आपको कुछ नहीं करना है एंड इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप टैप टैप करके ही इसे यूज करें, बट मैं इसलिए इसे टैप टैप यूज कर रही हूँ ताकि इससे आपको और ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा। तो इसे ब्लेंड कर लेती हूँ एंड जहां मुझे लगता है तो मैं स्वाइप भी करूंगी एंड कहीं कहीं मैं टैप भी करूंगी। तो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से कर लें। सी कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया एंड मैं इसे अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर दूंगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आपको अपने फेस को ही फोकस नहीं करना है, आपको आपको अपने नेक एरिया को भी देखते हुए काम करना है, अदरवाइज ये अलग दिखेगा ये अलग दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इक्वल आप रखें, 19-20 कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बारी आती है इसको सेट करने की। अगर हम सेट नहीं करेंगे तो जैसा कि गर्मी चल रही है और फिर थोड़ी देर बाद ये ना ऐसे करके बह जाना है और फिर सारा बीबी क्रीम का लुक जो है खराब हो जाना है। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड आइवरी शेड है 105 एंड ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एक कवरेज भी चाहिए तो ये जो कॉम्पैक्ट है ये बेस्ट है एंड यस इसका पफ पता नहीं कहाँ है क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ एंड देख सकते हैं कि ये मतलब ऑलमोस्ट ये भी खत्म ही होने वाला है। तो मैं इस कॉम्पैक्ट से अपने फेस को अच्छे से लॉक कर देती हूँ ताकि स्वेटिंग की वजह से जो मैंने बीबी क्रीम लगाई है वो बह ना जाए और मेरा लुक खराब ना हो जाए। तो इसे अच्छे से सेट कर देते हैं एंड ये जो मेबलिन फिट मी का ये जो कॉम्पैक्ट है ये एक अच्छा कवरेज भी देता है। एंड गाइस अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो डोंट वेरी, आप जॉनसन बेबी का जो पाउडर आता है टेलकम पाउडर जिसे बोलते हैं, पाउंस का जो आता है, आप उससे भी अपने फेस को सेट कर सकते हैं। यार ये भी डन हो चुका है और मेरा जो फेस है वो अच्छे से लॉक हो चुका है। तो नाउ अब इसके बाद जो पार्ट आता है वो होता है आईब्रोज फिल करना। तो आई डोंट सो कि कोई भी टीनेजर आईब्रोज को फिल करती होंगी, तो मैं भी कोई आईब्रोज नहीं फिल कर रही हूँ। मेरी जिस तरीके से आईब्रोज है मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। तो इसके बाद अब बारी आती है आगे बढ़ने की मेकअप की। तो अभी अगर आपको अपने फेस पर कोई डार्क स्पॉट एरिया दिखते हैं या फिर कुछ दिखता है तो आप कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। तो जो आज का मेकअप लुक है ना स्पेशली टीनेजर पर है, इसलिए मैं ज्यादा प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपको लगता है कि आपको यू नो आप एवरीडे मेकअप लुक नहीं कर रहे हैं, आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, आप किसी पार्टी में अगर जा रहे हैं टीनेजर गर्ल्स, तो फिर थोड़ा सा एक आध प्रोडक्ट को बढ़ा सकती हैं, लाइक कंसीलर, काजल या फिर आईब्रो को फिल कर सकती हैं। तो ये आप पर डिपेंड, जो लास्ट जो बचता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीनेजर गर्ल्स के लिए स्पेशली, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो होता है ब्लशर। तो ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये 10 रुपीज़ की लिपस्टिक, एंड बहुत ही प्यारा लुक देता है, आपको ब्लशर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे एज अ लिपस्टिक एंड यूरो ब्लशर भी अप्लाई करूंगी एंड बस लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो यू कैन सी गाइस, अभी आप देखिएगा कितना प्यारा लुक आएगा। ब्लशर को भी ब्लेंड कर दूंगी एंड इसे अपनी फिंगर की हेल्प से ही बस टैप 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 गाइस, कितना अच्छा इसे इफेक्ट आया है। तो मैंने रेड लिपस्टिक यूज की है जिसका मैंने बहुत हल्का सा कलर अपनी लिप पर अप्लाई किया है, ज्यादा डार्क नहीं किया है, एंड इसके ऊपर मैं यूज कर ले रही हूँ ये जावीज का लिप बाम एंड जो मेरे लिप को अच्छे से हाइड्रेट रखेगा। तो गाइस मेकअप ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है एंड मुझे लगता है कि टीनेजर को इतना ही मेकअप करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्किन पर ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज़ ना करें, जस्ट बिकॉज आपकी जो स्किन होती है, जो टीनेजर गर्ल्स की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो आप जितना ज़्यादा कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी बनी रहे तो आप कम प्रोडक्ट यूज़ करें, जब भी यूज़ करें तो अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करें, एंड बस इतना मेकअप बहुत होता है टीनेजर के लिए एंड स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए। तो स्पेशली मैं सजेस्ट करूँगी कि इतना भी मेकअप वो ना करें, अगर वो पढ़ रही हैं तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर उन्हें किसी पार्टीज़ में जाना है तो वो इतना मेकअप कर सकती हैं। ऑफकोर्स मैं इसमें एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगी कि जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनको दो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो ब्लश लगाना एंड सेकंड आईलाइनर अप्लाई करना, वो सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं इसमें आईलाइनर को ऐड कर देती हूँ एंड जो लुक है वो कंप्लीट। इनसाइड का ये लाइनर एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड मुझे इस लाइनर की खास बात क्या लगती है, जितने भी लिक्विड लाइनर आते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होते एंड मैं इसे लगभग एक साल से इसे यूज़ कर रही हूँ गाइस, ये अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है। जब भी मैं इसको डिप करती हूँ ये ऐसा लगता है इसमें फिल है, पूरी तरीके से ये भरा हुआ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। तो जो मेकअप है वो डन हो चुका है एंड अब मैं अपनी हेयर स्टाइल को भी जल्दी से बनाकर फिर आपसे। कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपकी डिमांड पर, आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।